स्कूल में दिखा धर्म का भेदभाव, प्राइवेट स्कूल की टीचर ने किया भेदभाव, मुस्लिम बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवाया, खबर से राजनीति में आया भूचाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल का बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर क्लास में एक बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को बाकी बच्चे थप्पड़ मार रहे हैं वो मुस्लिम है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात की है। तो वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भी इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले का संज्ञान लिया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि टीचर क्लास में एक बच्चे को बाकी बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है। कई बच्चे बारी बारी से उठकर आते हैं, वहां खड़े एक बच्चे को थप्पड़ मारते हैं। इतना ही नहीं, टीचर बाकी बच्चों से ये तक कह रही है कि जोर से थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे है। दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को पीटा जा रहा है वो मुस्लिम है। इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया हुआ वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए। वहीं बच्चे के पिता ने उसे स्कूल से निकालने का फैसला किया है। बच्चे के पिता का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि टीचर ने बच्चों के बीच विवाद करवाया है, हमने समझौता कर लिया है, मैं शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करना चाहता, हमने जो फीस चुकाई थी उसे वापस लेकर अपने बच्चे को इस स्कूल से निकालने का फैसला किया है, मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार पुलिस या कोर्ट में बुलाया जाए, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। प्रजापत ने कहा कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि यह वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गाँव का है। इसमें महिला अपने घर पर ही स्कूल संचालित कर रही थी, इसी स्कूल की कक्षा का यह वीडियो है। आगे की जांच करते हुए इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। RLD चीफ जयंत चौधरी ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, मुजफ्फरनगर के स्कूल का वीडियो एक दर्दनाक चेतावनी है कि कैसे गहरी जड़ें जमा चुके धार्मिक विभाजन हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा को भड़का सकते हैं। मुजफ्फरनगर के हमारे विधायक यह सुनिश्चित करेंगे कि यह UP पुलिस स्वेता मामला दर्ज करे और बच्चे की शिक्षा बाधित ना हो। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां चांद पर जाने की तकनीक की बातें हो रही हो या नफरत की चार दीवारी खड़ी करने वाली बातें। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है, हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए।